कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में हम बात करेंगे। ये जो छोटी बोन्स आपको दिख रही हैं, इनको कार्पल कहते हैं। ये हमारे हैंड में छोटी बोन्स और ये दो रोज में प्रेजेंट होती हैं। ये सेट ऑफ बोन्स को कार्पल बोन्स कहते हैं। ये बोन्स ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज पोजिशनड होती हैं, और बिकॉज ये एक नैरो स्पेस होता है और इसमें से अभी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, कैपिलरीज एंड बाकी सारा टिश्यू यहाँ इसमें से पास होना है। वो सारी मसल लेंथ जो यहाँ जाके अटैच होंगी, और सारी नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई यहाँ होगी अलॉन्ग विद द लिम्फैटिक सप्लाई। बिकॉज ये ऑलरेडी नैरो स्पेस है तो इसको टनल भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम कार्पल टनल होता है। सिंड्रोम हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब यहाँ पे नर्व कंप्रेशन या और कुछ प्रॉब्लम आता है, बट बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम नर्व कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें से जो नर्व पास हो रही हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिस येलो थिंग डिपिक्ट्स दी मीडियन नर्व। ये इन कंपैरिजन टू दी अल्नर एंड दी रेडियल नर्व थोड़ी सी सुपरफिशियल होती है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मसल की लेयर्स इस पॉइंट पे नहीं होती है और ये थोड़ी डेप्थ में होती हैं, अल्नर एंड रेडियल नर्व। जब हम कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये जो मीडियल नर्व है कार्पल बोन्स के डी अरेंजमेंट से, डी अरेंजमेंट किसी भी तरीके वजह से हो सकता है, और डी अरेंजमेंट में इन बोन्स की अलाइनमेंट मतलब कि पोजिशन अपनी जगह से हटकर न्यू पोजिशन पे है। वो प्रीवियस इंजरी भी हो सकती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे स्वेलिंग या लिम्फैटिक ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है, वो आपका रिस्ट में कोई स्प्रेन स्ट्रेन अनट्रीटेड रहा या कोई इंजरी रही उसकी वजह से भी हो सकता है, वो पॉस्चरल भी हो सकता है उन लोगों में जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर या सिस्टम्स पे ज़्यादा काम है और उनका जो पोजीशन है जिसको हम कहते हैं कि एर्गोनॉमिक सिटिंग पॉस्चर, हैंड पोजीशन अच्छी नहीं होती है, तब भी कार्पल बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जब नर्व पे कंप्रेशन आता है तो पेशेंट को या हमें क्या फील होगा? बर्निंग सेंसेशन और नमनेस फील होगा, और ये विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। शार्प शूटिंग पेन, स्पेशली रात के टाइम पे ये पेन बहुत ज़्यादा होती है, और ये इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी नींद खुल सकती है, जिसको हम स्टैबिंग पेन बोलते हैं। आपको एक्टिविटीज़ जो हाथ से करनी है, बी इट आपको बटनिंग करनी है शर्ट की, किचन में यूटेंसिल्स पिक करने हैं, आपको पानी की बकेट लिफ्ट करनी है, या आपको अपना ऑफिस वर्क करना है, उन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी, वॉर्म्थ रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, शार्प शूटिंग स्टैबिंग जैसा पेन जो कि रात को ज़्यादा बढ़ता है, बर्निंग एंड नमनेस वाले फीचर्स आपको विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे। तो कार्पल टनल सिंड्रोम को हम विदाउट सर्जरी फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं, जिसमें हम कार्पल बोन्स के या डी अरेंजमेंट की करेक्शन करते हैं, हम नर्व के ऊपर से कंप्रेशन ख़त्म करते हैं, नर्व की मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो ये मसल्स की लेयर्स हैं इनकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको रिलीज करते हैं। ऑल्सो जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ कॉम्पोनेंट है उस पर ध्यान रखते हुए लिम्फैटिक ड्रेनेज की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेशेंट का फीडबैक सुनेंगे, और फीडबैक के लिए आप इस चीज़ इस स्लाइड को आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। आज हम एक और पेशेंट से मिल रहे हैं और उनका फीडबैक वीडियो ले रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट है ये एचआर प्रोफेशनल है और इनका एक छोटा बेबी है। तो ये हमारे पास स्पेशली पोंडा साहब से ट्रीटमेंट के लिए आए थे, और अब हम इनसे बात करते हैं कि किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये हमारे पास आए थे। ओवर टू यू मैम। हमारा पहला क्वेश्चन कि जब आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, आपको क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए थे? जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी, मेरा रिस्ट पेन का प्रॉब्लम था। आफ्टर डिलीवरी मेरे दोनों रिस्ट में पेन स्टार्ट हो गया था। इसमें राइट में तो ग्रेजुअली चला गया था, मुझे याद भी नहीं है, बट ये मेरे लेफ्ट वाले रिस्ट में पेन जा नहीं रहा था। जैसे इसमें स्टिफनेस हो जाती थी रात को, या बेबी को फीडिंग के टाइम, या कुछ हैवी होल्ड करने पे, या इवन लाइट चीज़ होल्ड करने पे भी इसमें पेन होता था। थोड़ा था मैसे हो जाए तो क्रैकलिंग साउंड करके यहाँ कुछ रिवॉल्विंग सा मूव होता था, पेन होता था इससे। सो मैं इसके रिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई। ओके, तो आपका कंसल्टेशन यहाँ पे हुआ, आप उसका एक्सपीरियंस बताएं, शेयर करें कि आपका कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं यहाँ आई, जैसे यहाँ देख सकते हैं, जब हम यहाँ काफ़ी वार्म एनवायरनमेंट है एंड
बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, हर क्वेश्चन का प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन के साथ रिस्पॉन्ड किया जाता है, और चीज़ को क्या प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझा के कहाँ कैसे शुरू कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रॉपर स्टेजेस बता के, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन शॉर्ट यहाँ तो अच्छे से मुझे स्टेज वाइज बताया गया और ट्रीटमेंट प्रॉपर मिला मुझे। अक्सर फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसको कार्पल टनल सिंड्रोम किया कहा जाता है, जिसमें अगर हम कहें कि क्यों हुआ, बिकॉज बोन्स की अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग भी हो बट वो सिम्टम फ्री होती है जिसको हम ए सिम्टोमेटिक कहते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये क्यों होती है क्योंकि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन जिन लोगों की बॉडी में होता है कि हाँ मोस्टली ऐसी फीमेल्स होती है जिनमें फ्लूइड रिटेंशन होता है तो बॉडी फ्लफी प्लम्पी या हम कहते हैं कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया ज़्यादा, तो जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं मतलब जो हमारे हाथ हैं और जो हमारे पैर हैं पाँव हैं वो स्वोलन होते हैं और वहाँ पर जो छोटी बोन्स होती हैं उन पर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है। कार्पल जो है वो बोन्स का सेट है जो हमारे हाथ में है, उनमें से ऑब्वियसली नर्व्स पास करती हैं, इसमें केस में एक पर्टिकुलर नर्व जो हमारी नेक से निकलती है मेन ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ वो बोन्स के बीच में कंप्रेशन में आ जाती है। जैसे आप देखें कि कोई पौधा बड़े बड़ी चट्टानों के बीच में है और जो लैंडस्लाइड हुआ तो वो पौधा जो लाइव था वो कंप्रेस हो गया, तो वो अब वो उसमें स्प्राउटिंग नहीं होगी, न्यू लीव्स नहीं बनेगी, वो डैमेज हो जाएगा। अगर ये अनट्रीटेड रहता तो ये नर्व डैमेज की तरफ जाता है, बट मैम का जो हमारा ट्रीटमेंट स्पेंड रहा वो बहुत कम रहा क्योंकि मैम की रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं अगर मैं कहूँ कि जिसको शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिकवरी कहें तो यस मैम का वो था। अब आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके चलो ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको क्या डिफरेंट लगा आपने इतने टाइम में, बिकॉज आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपने बहुत लोगों से सुना देखा या हम ओवर द नेट ये चीज़ें देखते रहते हैं कि फिजियोथेरेपी ऐसे होती है ऐसे होती है, यहाँ क्या एक्सपीरियंस था? मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी टॉकिंग अबाउट फिजियोथेरेपी ब्रांच ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ कोई मेडिसिन का कुछ नहीं है कि पेन किलर ले लो या कुछ और मेडिसिन ले लो, वैसा कुछ नहीं लिया है मैंने यहाँ। जैसे कुछ मूवमेंट्स करके या जो भी इन्होंने किया, थोड़े टाइम के लिए आओ, हाफ एन आवर वन आवर के लिए आओ, कुछ ट्रीटमेंट लिया और कुछ मुझे एक्सरसाइजेस बताई गई, तो ये मुझे बहुत अच्छा वे लगा ट्रीटमेंट का क्योंकि आप इसमें नेचुरली नेचुरली हीलिंग है, रिकवर हो रहा है के पास पूरी बेसिकली क्योर हो रही है चीज ट्रीट होने के बाद, रूट कॉज से ट्रीटमेंट हो रहा है बिकॉज ये सबको मालूम है पेन किलर ले रहे हैं और जो सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ वो क्योर हो रहा है। तो जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हमारी एज के हैं आपकी एज के हैं सबको मालूम है कहीं ना कहीं कि पेन किलर सिर्फ उसको दबा रही है, yes. उसको ठीक नहीं कर रही है और बॉडी के पास नेचुरल कैपेसिटी हमेशा रहता है कि वो अपने आप को हील कर सकती है, बस हमें उसको स्विच ऑन करना होता है। वो स्विच ऑन करने के लिए आपको एक थेरेपिस्ट चाहिए जिसको इसके बारे में मालूम हो कि कब कौन सा स्विच ऑन करना है। एंड अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आपको अगर सोसाइटी को मैसेज देना है कि पेन से अगर वो सफर कर रहे हैं, चाहे वो रिस्ट पेन बिकॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम है या चाहे कोई और भी पेन है, तो उन लोगों को क्या प्रेफर करना चाहिए? उनको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लाइन प्रेफर करना चाहिए, उनको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए या उनको पेन किलर्स या सर्जरी की तरफ भागना चाहिए? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है हमें जो फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो सकती है तो आई विल रेकमेंड डेफिनेटली हमें फिजियोथेरेपी के लिए जाना चाहिए। डिफरेंस व्हाट आई टोल्ड इज यहाँ चीज़ें क्योर होती है रादर देन ट्रीटिंग इट, सुप्रेस नहीं हो रहा है, कुछ रूट कॉज फाइंड आउट करके उसको क्योर किया जा रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाता है। जैसे मैंने यहाँ बेशक मेरा थोड़े से टाइम का ट्रीटमेंट था बट मेरे को एक ग्रेजुअली हैबिट भी डेवलप हो गई, मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे विद लॉजिक पता चला कि हाँ किस वजह से मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। तो आपने कुछ मॉडिफिकेशंस की, आप ऑब्वियसली अब बेबी के साथ आपका लंबा टाइम रहता है, उसको हैंडल करना है ओवर द टाइम, जब वो ग्रो कर रहा है बेबी तब आपकी एक्टिविटीज उसके साथ ज्यादा बढ़ेगी, यानी देन यू विल बी बैक इनटू योर जॉब, तो आपके पास डबल और ट्रिपल टास्क रह जाएंगे, होम मेकर भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं और पेरेंट भी हैं और हैंड का बहुत ज्यादा रोल है ऑब्वियसली।
जिस आप हाथ के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, सो ना तो किचन वर्क होगा ना प्रोफेशनली आपका कोई डेस्क टेबल। मोर ओवर ऐसा नहीं होगा कि ये बार बार पेन उठेगा, एक मेरी हैबिट भी हो गई है कि इसका मैं वर्कआउट करूँ, और रादर मैंने प्रॉपर से ऑल ओवर वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया है इसके साथ। दैट्स वेरी गुड कि पूरा लाइफस्टाइल पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि यस आई हैव टू बी ऑन बैक ऑन ट्रैक वंडरफुली, जिसको कहते हैं कि लेसन हमने ले लिया, अडेप्ट कर लिया, ग्रास्प कर लिया। थैंक यू मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड योर फीडबैक, वी विश यू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ट्रीटिंग माय दिस पेन, एंड आई विल रेकमेंड ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक टू एवरीवन हु इज डीलिंग विद दीज आर्थराइटिस और जॉइंट पेन्स और एनी काइंड ऑफ पेन। आई थिंक अदर थिंग्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर। जी बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बिल्कुल है, बिकॉज़ वी टेक द पेशेंट्स एज अ होल, ये नहीं कि उनका एक पार्ट ही ठीक है। लाइक आई हैव सीन इन माय प्रोफेशनल प्लेस कि बहुत सारे को स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रहती हैं, स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो आई फाउंड इट हियर कि यू आर डीलिंग विद एवरीथिंग हियर। यस मैम को ये ज्यादा अच्छी तरह पता है बिकॉज़ मैम कहीं क्योंकि कोई कुछ भी क्योर करने के लिए व्हाट आई लाइक आपकी अप्रोच जो है ना, पहले बॉडी स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस को डाउन किया जाता है, फिर बॉडी इजिली हील अप हो जाती है। एग्जैक्टली, और दैट्स वंडरफुल, ये लोग वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो लोग खुद मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज़ वो होलिस्टिक मेथड या नेचुरल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। मैम उनमें से एक है जो मेडिटेशन के पाथ पे हैं, वो अपने लिए प्रैक्टिस करती हैं, और अपने लिए क्यों प्रैक्टिस करती हैं, बिकॉज उनको स्ट्रेस मैनेज करना है, और स्ट्रेस मैनेज हम पिल्स के थ्रू या पेन किलर्स के थ्रू या सेडेटिव्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं, ना ही वो ठीक रास्ता है। हम वो कैसे मैनेज कर सकते हैं जब हमें मालूम है कि ये सेट ऑफ थिंग या ये कपल ऑफ थिंग्स मेरे लिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अपने ट्रिगर्स को ढूंढ के उनको शांत करना मेडिटेशन के थ्रू, ये भी एक बहुत अच्छा और बड़ा आर्ट है। सो आप जैसे लोग इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि यस हम स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट या फैसिलिटेट करते हैं उस प्रोसेस को, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो और परमानेंटली ठीक हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।